तो जितने भी किशनगंज के डांस के बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो सारे पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे बहुत तरह का चीज़ होने वाला है, एक ही चीज़ नहीं है कि सिर्फ डांस है, सिंगिंग है, पेंटिंग है। भले पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। ये प्रोग्राम 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 8 अक्टूबर को। और यहाँ पे जो बहुत सालों से जो हिडन टैलेंट छुप बैठे हैं, जिनको स्टेज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हम ये मंच लेकर आ रहे हैं। ये है किशनगंज का इसका टोटल टेस्ट प्राइस है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो पूरे साल तैयारी करेगा। नहीं, अगले साल कोका फेस्टिवल होने वाला है किशनगंज कार्निवल, और मुझे वहां पर जाकर जीतना है, अपना दम दिखाना। उन लोगों को दे रहे हैं बच्चे लोग को, ताकि वो लोग आगे जाके भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भाग ले, हमारे नेशनल इंटरनेशनल नाम है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो आए यहाँ पार्टिसिपेंट करे। जब मैं 4 साल के से डांस करती हूँ, मैं एक डांस टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे यहाँ के कितना, मतलब कि उनको डांस के लिए कितना क्रेज़ है कि कुछ अच्छा हो यहाँ पे। हमारे जब मैं डांस करती थी तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि उस पर इतना अच्छे लेवल पे मतलब कॉम्पिटिशन्स हो या कुछ भी हो। तो अभी जो हो रहा है, तो किशनगंज के अभी के बच्चे के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इतना बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है, इतने अच्छे लेवल पर हो रहे हैं। तो यहाँ के सारे बच्चों को इस पर पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, और जो भी प्राइज मनी है, अपना टैलेंट दिखाएंगे तो वो प्राइज मनी तो उनका होगा ही, उसके अलावा भी उन्हें और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जितने भी किशनगंज के डांस के बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो सारे पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे बहुत तरह का चीज़ होने वाला है, एक ही चीज़ नहीं है कि सिर्फ डांस है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, गेमिंग है, मॉडलिंग है। तो इतने मतलब कि इतना अच्छा लेवल पर यहाँ पर अभी तक कुछ मैंने देखा नहीं है। तो ये हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है। और डांस के लिए भी किशनगंज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मतलब बहुत ये नहीं है कि वो कर पाए डांस अच्छे से, बट ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो यहाँ करेंगे। और इससे भी और आगे इस टाइप का एक प्रोग्राम कराना है, तो मेरे को समझ में आया है कि एक बहुत अच्छा मौका है कि किशनगंज के युवा लोगों को आगे लाया जाए। कि मान लीजिए एजुकेशन या टेक्निकल फील्ड में कोई आगे नहीं है, तो कम से कम वो जिस फील्ड में भी हैं, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, या वो मॉडलिंग में हो। तो मेरा उद्देश्य था कि भाई जो युवा लड़के पढ़ाई में आगे नहीं जा सके, कम से कम इस फील्ड में आगे बढ़े और अपना जोहर दिखा सके। ये कोका जो फेस्टिवल है, एक प्रकार का ये युवा महोत्सव है, जिसमें हर प्रकार के किशनगंज में जो भी युवा हैं या जो भी है, आकर इसमें भले पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। ये प्रोग्राम 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 8 अक्टूबर को है। सारे प्रोग्राम का ग्रैंड फिनाले 8 अक्टूबर को है। तो इसलिए किशनगंज के लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को में आए, देखें। और यहाँ पहली बार एक बहुत ही बड़े लेवल पर हम लोग एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन, मॉडलिंग कॉम्पिटिशन, किड्स फैशन शो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये सारी चीज़ हम करवा रहे हैं। और किशनगंज में पहली बार इतने बड़े लेवल पे एक यूथ फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें 1000+ पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, और लगभग 4 दिन का ये फेस्ट होने वाला है। और चारों दिन आपको अलग अलग इवेंट्स का देखने का नज़ारा मिलेगा। एक दिन मॉडलिंग का प्रोग्राम होगा, एक दिन सिंगिंग का होगा। 8 तारीख का जो अपना प्रोग्राम है, 5 to 8 जो चलेगा, 8 तारीख को वो अपना फाइनल इवेंट होगा। उसमें बहुत सारे बाहर से कलाकार हमने बुलाए हैं, सिलीगुड़ी से एंकर आएंगे, और भी कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं जो उस दिन आके आपको परफॉर्म करेंगे। तो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है किशनगंज के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, और यहाँ पे जो बहुत सालों से जो हिडन टैलेंट छुप बैठे हैं, जिनको स्टेज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हम ये मंच लेकर आ रहे हैं। ये है किशनगंज का कार्निवल। इसका टोटल कैश प्राइस है 2.5 लाख रुपये। बाकी इसमें कुछ हमने अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया है और स्पॉन्सर भी किया अपनी तरफ से। और जो भी इस प्रोग्राम में जीतेगा, उसको आगे का जो भी उसका खर्चा होगा, जहाँ भी जाने का, इंडियन आइडल हो गया या डांस इंडिया डांस हो गया, ये किसी भी मुकाम पर हम लोग उसको लेके जाएंगे और उसका पूरा फाइनेंशियल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रतिभा हर किसी के अंदर होती है, उसको निखारने की ज़रूरत होती है, और इस प्रतिभा को निखारना ही हमारा लक्ष्य है। जैसे हमारे बच्चे, मेरे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे बोलते हैं हमारा बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो करता तो है, जानते कितने लोग हैं, और उस प्रतिभा को अप्रिशिएशन कितना मिल पा रहा है, उसके टैलेंट को बढ़ावा कितना मिल पा रहा है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इवेंट है। क्योंकि पिछड़ा इलाका आप देखते हैं कि हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से लोग DID में जाते हैं, इंडियन आइडल में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर में जाकर, कोई बॉलीवुड में है, कोई टॉलीवुड में है, नाम कमा रहे हैं। हमारे तरफ के लोग नहीं जा पा रहे,
हमारे तरफ के लोग इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। रीज़न ये है कि उनको अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रहा है, उनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, और बढ़ावा तभी मिलेगा जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो हमारा मेन मकसद है कि एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना, कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ वो पूरे साल तैयारी करेगा, नहीं अगले साल कोका फेस्टिवल होने वाला है, किशनगंज कार्निवल, और मुझे वहाँ पर जाकर जीतना है, अपना दम दिखाना है। इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो ओपनली कोई भी बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जो बहुत गरीब हैं उनको हम लोग फ्री एंट्री दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो एक अलग ही माहौल मिलेगा उनको, एक मेला टाइप का दिखेगा जो हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में देखते हैं। बस उसी तरह का एक प्रयास जो है हम लोग। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जैसे सिंगिंग क्लासेस वैसे नहीं है, डांसिंग क्लासेस हैं लेकिन सिर्फ बच्चे लोग जाते हैं, बड़े लोग नहीं जाते हैं, पेंटिंग क्लासेस नहीं है, फोटोग्राफी क्लासेस नहीं है, तो हम लोग एक बड़ा मंच उन लोग को दे रहे हैं, बच्चे लोग को, ताकि वो लोग आगे जाके भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भाग लें, हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएं। क्लासेस नहीं है, इस वजह से अगर आप एक ये मंच देंगे वो लोग को तो क्लासेस भी आएंगे वो लोग के लिए, फिर वो क्लासेस जाएंगे, फिर वो लोग अपने इसमें बहुत अच्छा करेंगे, तो आगे जाके उनके लिए बहुत अच्छा होगा।